येलो डॉली जी मुंह मिटा करो, मेरे हस्बैंड ने ना मुझे नई गाड़ी लेके दी है। अरे वाह दीपिका भाभी, नई गाड़ी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी पिछले साल ही तो आप लोगों ने नई गाड़ी ली थी, अब एक और। वो क्या है ना डॉली जी, जो हमारी पहले वाली गाड़ी है ना, वो मेरे हस्बैंड ले जाते हैं। अब उनके पीछे से मुझे कहीं जाना हो तो बैटरी रिक्शा करो या कैब करनी पड़ती है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे तो नई गाड़ी चाहिए। और आपको तो पता ही है मेरे हस्बैंड मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, मेरे कहते ही ना उन्होंने मेरे लिए नई गाड़ी निकलवा दी। अरे वाह भाभी जी, आप ना बहुत लकी हो जो आपके हस्बैंड आपकी सारी इच्छा को पूरी करते हैं। और एक मेरे हस्बैंड को देख लो। ऐसा है डॉली जी, ये तो सब किस्मत किस्मत की बात है, वैसे ना लकी तो मैं हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, बाकी पड़ोसियों को भी तो मिठाई खिला दूँ अपनी नई गाड़ी की। ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अरे डॉली, कौन था बाहर? कोई नहीं, बराबर वाली दीपिका भाभी थी, उनके हस्बैंड ने उनको नई गाड़ी दिलाई है, उसी की मिठाई देने आई थी। अरे वाह डॉली, नई गाड़ी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लाओ मुंह मीठा कराओ। ये लो करो मुंह मीठा, दूसरों के घरों की मिठाइयां ही खाना, कभी अपने घर में कुछ नया मत ले लेना। अरे डॉली आप ऐसे क्यों बोल रही हो, जरूरत की सारी चीजें हैं तो सही हमारे घर में। क्या खाक चीजें हैं हमारे पास, कितने दिनों से आपको कह रही हूँ कि मुझे फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ला के दे दो, वो तक तो ली नहीं जा रही आपसे। अरे डॉली अभी पिछले साल ही तो हमने नई सेमी ऑटोमेटिक मशीन ली थी, उससे हमारा काम चल तो रहा है। रहने दो आप, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, हस्बैंड हो ना तो बराबर वाली दीपिका भाभी के हस्बैंड जैसे हो, जो अपनी बीवी की सारी इच्छा को पूरी करते हैं, एक आप हो। डॉली कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ, जितनी चादर हो ना उतने पैर पसारने चाहिए। अरे सुनो, हेलो डॉली जी, और कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीपिका भाभी, आप कहाँ चले हो इतना बनठन के? अरे डॉली जी जाना कहाँ है, अभी मेरी फ्रेंड आ रही है गाड़ी लेके मुझे लेने, हम दोनों मिलके ना फिर किट्टी पार्टी जाएंगे। अच्छा दीपिका भाभी, किट्टी पार्टी में? वैसे एक बात बोलूं, मैंने ना किट्टी पार्टी का नाम बहुत बार सुना है, मैं ना गई नहीं किट्टी पार्टी में, ये होता क्या है इसमें? क्या डॉली जी आपको किट्टी पार्टी के बारे नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ किट्टी पार्टी में होता क्या है। किट्टी पार्टी में ना बड़ा मजा आता है, हम 15-20 हाई प्रोफाइल लेडीज का ग्रुप है ये। हम लोग पता है क्या करते हैं, हर हफ्ते बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे जाके खूब इंजॉय करते हैं। क्या भाभी जी, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ पर इंजॉय करते हो? भाभी एक बात बोलूं, मुझे भी ज्वाइन करवा दो ये किट्टी पार्टी। हाँ तो डॉली जी इसमें क्या है, कर लो आप भी ज्वाइन, पता है हर महीने 8-10 हज़ार रुपए का तो खर्चा है। क्या दीपिका भाभी जी, 8-10 हज़ार रुपए का महीने का खर्चा? चलो मैं ना राजीव से बात करके आपको बताऊंगी। ठीक है, बात करके तो तुम बता देना, पर मैं तो तुम्हें यही कहूंगी तुम भी ना किट्टी पार्टी ज्वाइन कर लो, फिर तुम्हारा लाइफस्टाइल भी ना मेरी तरह हाई फाई हो जाएगा। ठीक है दीपिका भाभी, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है डॉली जी बता देना, मैं ना लेट हो रही हूँ, चलती हूँ किट्टी पार्टी के लिए। राजीव? हाँ डॉली। राजीव अब ना अगले महीने से आप मुझे घर खर्च से अलग 8-10 हज़ार रुपए मेरे खुद के खर्चे के लिए दिया करो। क्या डॉली, आपको अपने लिए 8-10 हज़ार रुपए हर महीने चाहिए, लेकिन क्यों? राजीव आपने हमारी बराबर वाली दीपिका भाभी का लाइफस्टाइल तो देखा ही होगा, कितना अच्छा लाइफस्टाइल जीती है उन्होंने, ना किटी पार्टी ज्वाइन की हुई है, अब मुझे भी किटी पार्टी ज्वाइन करनी है, इसलिए मुझे अब हर महीने 8-10 हज़ार रुपए चाहिए। क्या डॉली, आपको 8-10 हज़ार रुपए महीना किटी पार्टी के लिए चाहिए? डॉली मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, जितनी चादर हो ना उतने पैर पसारने चाहिए, अगर तुम किसी और काम के लिए कहती तो मैं कुछ सोच भी लेता, लेकिन किटी पार्टी के लिए क्या मतलब है? राजी मतलब तो किसी चीज का नहीं होता, वैसे मुझे पता था आप ना इस बात पर ओवर रिएक्ट ही करोगे, इंसान कब तक अपनी इच्छाओं को मारेगा? डॉली मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने से कभी मना नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है मेरी एक ही नौकरी है और हम 4 खाने वाले हैं, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी हमने महंगे स्कूल में डाल रखे हैं, मैं कहाँ से करूँगा डॉली? ऐसा है राजीव, ये कहानियां ना मुझे मत समझाओ, और वैसे भी सबके घर में हस्बैंड ही कमाते हैं, बराबर वाली हमारी दीपिका भाभी को ही देख लो, उनके घर में भी खाली उनके हस्बैंड ही कमाते हैं, और उनका लाइफस्टाइल देख लो कितनी बढ़िया लाइफस्टाइल जीते हैं, और एक हमें देख लो। डॉली
क्यों अपने आप को और मुझे किसी और से कंपेयर करती हो? हमें और किसी के लाइफ स्टाइल से क्या लेना देना, वो कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं? डॉली, हम मिडिल क्लास को ना बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। राजीव, वैसे मुझे पता था आप मुझे पैसे देने के लिए मना ही करोगे। पता नहीं कब तक ये मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी जीनी पड़ेगी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे नमस्ते भाई साहब, आप? नमस्ते भाभी जी, और भाई साहब कहाँ हैं? भाई साहब ना अपने ऑफिस का जरूरी काम कर रहे हैं। पर आप बताओ, आपका गायब हो गए थे, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल बाद आ रहे होगे यहाँ पर। हाँ भाभी जी, आपको तो पता ही है मैं बेंगलोर रहता हूँ फैमिली के साथ, और ये घर मैंने किराए पे दे रखा था। हाँ भाई साहब, आपने पिछले 2 साल से अपना घर दीपिका भाभी और भैया को किराए पे दे रखा है, पर कुछ दिनों से ना ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगता है गाँव गए हुए हैं। अब क्या बताऊँ भाभी जी, ये लोग कहीं गाँव नहीं गए हैं, बस बिना बताए कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। क्या भाई साहब, दीपिका भाभी और भैया कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, और वो भी बिना बताए? हाँ भाभी जी, उन्होंने तो अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर लिया है, और पिछले 6 महीने से घर का किराया तक नहीं दिया है और ना ही बिजली का बिल। ये क्या कह रहे हो भाई साहब आप, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन लोगों के पास तो बहुत सारे पैसे थे, और इन्होंने तो अभी अभी नई गाड़ी भी ली है। अरे भाभी जी, लोगों से धोखाधड़ी करके गाड़ी ले ली होगी। मैं इनके ऑफिस गया था, वहाँ पता चला इन्होंने फर्जी कंपनी बनाकर कई लोगों को धोखा दिया है और अपना ऑफिस भी बंद करके भाग गए हैं। भाई साहब, अब मुझे पता चला है ये लोग इतनी लग्जरी लाइफ कैसे जीते थे। लोगों का पैसा ऐड कर और लोगों को धोखा देकर तब ये जाकर ऐसी लाइफ जी रहे थे, तो भागना तो था ही इनको यहाँ से। भाभी जी, मुझे धोखा खा के ना एक ही बात समझ आई है कि ऐसे दिखावटी लोगों से ना सावधान रहना चाहिए। चलो, मैं प्रॉपर्टी डीलर से मिलता हूँ जाके। ठीक है भाई साहब। वैसे आजकल कुछ लोगों का पता ही नहीं चलता है। राजीव हमेशा सही कहते हैं, कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। राजीव की एक बात भी बिल्कुल ठीक है, जितनी चादर हो उतनी पैर पसारने चाहिए।